Hello students, how are you all? Now it's time study to computer. Previous lecture we have to discuss lesson number 2, right? So today we will discuss lesson number 3. The chapter name is More on Small Basic. अब हमें क्या सीखना है इसमें small basic के बारे में. See, we will learn about control structures, conditional control structure, looping control structure and sub routine. ये जो इतने टॉपिक्स है वो हमें इस चैप्टर में देखने हैं. सी, इन आवर डे टू डे लाइफ वी मेक डिसीजंस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. हमारे डे टू डे लाइफ में या कि जीवन में हम निर्णय लेते हैं और उसी के अनुसार ही हम कार्य करते हैं, है ना. Similarly, a computer also decides about its action before making decisions. इस कंप्यूटर के समान ही निर्णय लेने से पहले अपने कार्य के बारे में भी हमें निर्णय लेते हैं. Every decision involves a choice based a simple yes or no. ये जो every decision हम लेते हैं उनका एक choice base है, वो सिंपल ही है. कौन सा है ये? यस यानी यस और नो, हाँ यानी तो ना. कोई भी एक डिसीजन हमें लेना है, हाँ अगर ना, यस और नो. टू इम्प्लीमेंट दिस कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज्ड. ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो इम्प्लीमेंट में यूज होता है. इन कंट्रोल स्ट्रक्चर द कंडीशंस आर स्पेसिफाइड एंड एक्शंस टेक प्लेस एज पर दिस कंडीशंस. ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है उनमें जो हमें कंडीशन लगानी है और एक्शन लगानी है तो एज पर दी कंडीशन को ध्यान में रख के हमें ये करना है. लेट्स लर्न मोर अबाउट कंट्रोल स्ट्रक्चर इन दिस चैप्टर.